हमें दो क्लासिफिकेशन पढ़नी है। पहले तो एक तो हम एंगुलर का पढ़ेंगे, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है जो हमारा क्लासिफिकेशन एडवांस टाइप का है जो कि रिसेंटली आया है, वो है तख्तजान और शुडसर, परिहार और उद्धार का। तो ब्रायोफाइट में हम दो क्लासिफिकेशन में करना है। तो ब्रायोफाइट को एंगुलर ने दो क्लास में डिवाइड किया था, हैप्टेसी और म्यूसी में। हैप्टेसी लिवरवर्ट्स को बोलते हैं, म्यूसी मोसिस को बोलते हैं। और फिर इन्होंने इनकी सब क्लास सब डिवीजन में डिवाइड किया था इन क्लासेस को, जो थी हैप्टेसी म्यूसी। हैप्टेसी को पहले इन्होंने मार्केनशियल्स, ये इनके ऑर्डर्स हैं, मार्केनशियल्स, एंथ्रोसिरिकेल्स और जर्गमिनेल्स, तीन में डिवाइड किया था। और म्यूसी में इन्होंने स्वेगनेल्स, एंड्रियल्स और म्राइल्स में इन्होंने डिवाइड किया था। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन था जो तख्तजान, सुडसर और परिहार और उदार का था, उसमें ये पर NCICBN था, उन्होंने ब्रायोफाइट को हैप्टिकोप्सिडा, एंथ्रिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा में डिवाइड किया था। इसे लिवरवर्ड सी बोला जाता है, जिसमें 7 ऑर्डर आते हैं, बट हमारे सिलेबस में ये इसमें 2 ही ऐड किए गए हैं, तो हम 2 ही के नाम लिखेंगे ऑर्डर्स के, जो है मार्केनशियल्स और जर्गमिनेल्स। और एक है एंथ्रोसिरोप्सिडा, जिसे हॉर्नवर्ड्स भी बोला जाता है, और इसमें केवल एक ऑर्डर आता है जो कि एंथ्रोसिरोटेल्स। और जो ब्रायोप्सिडा है हमारा, ब्रायोप्सिडा में 16 ऑर्डर्स आते हैं, बट हमारे सिलेबस में 3 ऑर्डर आते हैं, स्फेगनेल्स, फेनारियल्स और पोलिट्राइकेल्स, ठीक है। और ब्रायोफाइट में हमारी 24,000 स्पीसीज और 960 जेनराज आते हैं।